नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं ट्रैवल विद आमेठा और आज हम आपको दिखाने वाले हैं हमारे गादोली गांव में हर वर्ष आयोजित होने वाले एक सामूहिक रुद्राभिषेक अनुष्ठान की पूरी झलकियां और एक महाप्रसादी का कार्यक्रम पूजा अनुष्ठान आपको दिखाएं। इससे पहले हम आपको हमारे गांव के वयोवृद्ध और बुजुर्ग विद्वान मनीषी पंडित जी श्रीमान शिवचंद्र जी साहब हमारे साथ हैं। आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं किस प्रकार से रुद्राभिषेक किया जा रहा है, कब से शुरुआत हुई, कैसे किया जाता है, क्या क्या कितने पंडित बैठते हैं, क्या कार्यक्रम रहता है, आइए जानते हैं। श्रीमान शिवचंद्र जी साहब, त्रिलोचन भट्ट की हवन स्थली के अंदर जो भी 120 परिवार रह रहे हैं, भारद्वाज कुल के हैं सब, और ये अभियान आज से 5 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। ये अभियान उसके बाद में निरंतर चल रहा है। इस अभियान के अंतर्गत पूरा गांव शामिल है, सभी गांव ने इसमें ऐच्छिक चंदा दिया है, ऐच्छिक यहाँ जो पूजा सामग्री दी है, सभी गांव पूजा के अंदर शामिल है, अभिषेक में शामिल है। कुछ भक्त शिव पंचायत की पूर्ण आस्था से सेवा पूजा कर रहे हैं, कुछ राधा कृष्ण की मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, कुछ हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं और कुछ यहाँ जाने तुलसी महारानी की पूजा कर रहे हैं। अलग अलग यहाँ जो ग्रुप में बैठे हुए लोग हैं, एक ही मंत्र से सब जगह पूजा हो रही है ताकि समय का उपयोग किया जा सके और समय को बचाया जा सके। श्रावण महीना अत्यंत पवित्र मास है, इसमें किया गया कर्म भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारा गांव का रुद्राभिषेक अभी प्रारंभ होने वाला है। अभी रुद्र की पूजा हुई है, षोडशोपचार से 16 मंत्र जो हैं उन मंत्रों को षोडशोपचार कहा जाता है, उन मंत्रों के आधार पर पूजा संपन्न हुई, राधा कृष्ण की भी पूजा संपन्न हुई और अब हनुमान जी की पूजा संपादित हो रही है और तुलसी महारानी की पूजा के लिए हमने तैयारी है। इसके ठीक बाद में हमारा समूह में हमारे यहाँ पर यानी रुद्री करने वाले अच्छे विद्वान हैं, करीब 11 पंडित एक साथ बैठेंगे और बैठ करके समवेद स्वर में यानी रुद्र पाठ करेंगे। रुद्री के समय कुछ भक्त महादेव जी के ऊपर अखंड जलधारा यहाँ करते रहेंगे और इस प्रकार से हमारा यानी रुद्राभिषेक पूर्ण होने के बाद में उत्तर पूजा होगी। उत्तर पूजा के बाद आरती और आरती के बाद संपूर्ण गांव का प्रसाद होगा। बालाजी की आंगी और पूजा चल रही है। पंडित जी श्री ललित जी के नेतृत्व में दीपक जी और पीयूष जी, प्रवीण जी सभी बालाजी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। ललित जी, आज जो रुद्राभिषेक है इसमें किस प्रकार से बालाजी की पूजा आप कर रहे हैं, क्या इसका विधान है, थोड़ा सा विस्तार में बताएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज ये जो आयोजन किया जा रहा है, इस आयोजन के बारे में सूक्ष्म रूप से आपको जानकारी दूंगा। इस कार्यक्रम में क्या है, हम प्रतिवर्ष श्रावण मास में भोलेनाथ की प्रसन्नता और ठाकुर जी की प्रसन्नता और बालाजी महादेव श्री की प्रसन्नता के लिए ये श्रावण मास में रुद्राभिषेक का कार्यक्रम करते हैं।
इस कार्यक्रम के दौरान आज हमारी इच्छा हुई कि आज ठाकुर जी के भी मतलब विशेष महास्नान और महापूजा करें और बालाजी की महापूजा करें। तो ये आयोजन हम कर रहे हैं, ठाकुर जी की महापूजा चल रही है और बालाजी का भी हम महास्नान करके सोच-विचार से पूजा कर रहे हैं। इस पूजा के बाद में हम सीधे शिव मंदिर में जाएंगे और महादेव जी का रुद्राभिषेक करेंगे और हमारे यहाँ पर लगभग 11 से अधिक संख्या में पंडित विराजमान हैं और वो सभी पंडित मिलकर के एक लघु रुद्र का आयोजन करेंगे और इस आयोजन के बाद में महादेव की आरती होगी और आरती के बाद में शाम को प्रसाद वितरण किया जाएगा और इस प्रसाद में पूरे गाँव की ही प्रसाद का आयोजन किया जा रहा है और सभी भक्त शाम को प्रसाद देंगे। जय शिव। ठाकुर जी का श्रृंगार करते हुए हमारे युवा साथी भाई श्री तिलकेश जी, कैलाश जी और अरुण जी ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे हैं। श्रृंगार के उपरांत हम आपको पुनः दर्शन कराएंगे। अब हम नौरे में आए हैं और हमारे बहुत सारे साथी हाथों हाथ रसोई बना रहे हैं, आपसे मिलवाते हैं। सब्जी पर है हमारे भाई श्री सत्यनारायण जी, सब्जी बना रहे हैं। मटर पनीर, मटर पनीर के आलू मटर और कड़ी पर है हमारे ताऊ जी आदरणीय राम जी कड़ी बनाते हुए और साथ में है ओंकारेश्वर जी और देवेश जी। इस प्रकार से सामूहिक प्रसादी की तैयारी चल रही है और भी कुछ साथी हैं, मिलवाता हूँ मैं उनसे। हाथ सफाई करते हुए
साथियों भोजन की तैयारी चल रही है और मंदिर पर पूजा, जैसा कि आपने देखा, पूजा चल रही है। शाम को सामूहिक प्रसादी का आयोजन है गांव में। एक चीज और, फुलाल की ओर से और इस प्राणी वाद्य लोग एक प्राणी जहां और महाजनम बिल्कुल एक बार ब्रह्मा उल्टा चल रहा है। खाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। सभी युवा साथी व्यवस्था में जुटे हुए हैं नरेंद्र जी के नेतृत्व में। महाप्रसादी का सभी आनंद लेते हुए